The Covey model. It's a Covey model which is based on the first difference equation. In this first difference equation, we have a demand becomes equal to a supply, which is a normal function in a market demand curve. But here in a Covey model, we have one equation that is a demand function, which is based on the current price, while the supply function is based on the one lagged period, that is not a based on the current price. So we have a QDT becomes equal to a QST, which is demand becomes equal to a supply. And here we have a QDT, that is alpha minus beta PT, that is the current price. And QST, which is a supply function, that is minus gamma plus delta PT minus 1. That is a lag period, not a current period. So as we know that both equations will be equal at equilibrium, so QDT is equal to QST. QDT is equal to QST. So hum kya karenge, alpha minus beta PT, that becomes equal to minus gamma plus delta PT minus 1. Ab inko hum simple solve kar lete hain, price ko hum ek side pe kar lete hain aur constant ek side pe kar lete hain. To ye mere paas aa gaya alpha plus gamma aur beta PT प्लस गैमा पी टी माइनस वन. अब यहाँ पे इस जगह पे हम एक पीरियड जो है वो ऐड कर देते हैं, लैग पीरियड के अंदर एक पीरियड को ऐड कर देते हैं. हम एडिंग क्या कर देते हैं, वन पीरियड, एडिंग वन पीरियड. तो जब वन पीरियड ऐड करेंगे टाइम सब्सक्रिप्शन के लिहाज से, टाइम सब्सक्रिप्शन के लिहाज से, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बीटा पी टी प्लस वन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गैमा डेल्टा, और ये पी टी रह जाएगा, और ये वैसे लिखा जाएगा अल्फा प्लस डेल्टा गैमा. तो अगर हम देखें तो हमें ये क्लियरली नजर आ रही है, कुछ इक्वेशन जो है ना वो फर्स्ट डिफरेंस इक्वेशन को नजर आ रही है, लेकिन फर्स्ट डिफरेंस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो है ना, यहाँ पे इस जगह पे कोफिशिएंट जो है वो वन होना चाहिए. तो हम यहाँ पे बीटा को पहले हम डिवाइड कर देते हैं ताकि यहाँ से कोफिशिएंट खत्म हो जाए. तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टी प्लस वन प्लस डेल्टा अपॉन बीटा पी टी, और ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा अपॉन बी. तो ये मेरे पास कुछ सिचुएशन बन गई. अब इसको जरा थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई और मैं जरा इसको लिख लेता हूँ, पी टी प्लस वन प्लस डेल्टा ओवर बीटा पी टी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा. तो ये मेरे पास आ गया, ये बेसिकली दैट इज अ फर्स्ट डिफरेंस इक्वेशन कॉफे मॉडल की, ये फर्स्ट डिफरेंस इक्वेशन है. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस पूरे एरिया के अंदर देखें तो अगर मैं जनरल इक्वेशन के साथ करूं, फर्स्ट डिफरेंस इक्वेशन के साथ करूं, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा गैमा अपॉन बीटा, और ये मेरे पास क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा अल्फा प्लस गैमा अपॉन बीटा. ठीक है, तो मेरे पास ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी, पी टी प्लस वन प्लस ए इंटू पी टी इक्वल टू सी. तो ये इक्वेशन मेरे पास आ, ठीक है जी. अच्छा, अगर हम और से देखें, जो हमारे पास प्रिसीडिंग जो फर्स्ट डिफरेंस इक्वेशन थी पिछले चैप्टर्स के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, उसको कुछ यूं डिस्कस किया था कि जो पी टी है, पी टी दैट इज इक्वल टू ए माइनस ए पार्टी प्लस सी अपॉन वन प्लस ए, हमने इस चीज को डिस्कस किया था.
ठीक है जी। अब यहां पे अब अगर हम ये वैल्यूज जो हैं ए की वैल्यू पुट कर दें और सी की वैल्यू पुट कर दें, तो देखें मेरे पास क्या सिचुएशन आएगी टाइम पाथ के लिहाज से। ये टाइम पाथ की सिचुएशन आ जाएगी, यानी मैं अगर ये दोनों वैल्यूज जो हैं इस टाइम पाथ के अंदर मैं पुट करूं तो क्या आएगा, ए एज इट इज आ जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पे मैंने माइनस गामा ओवर बीटा डेल्टा ओवर बीटा इंटू टी, सी की वैल्यू एल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा, और ये आ रहा है डिवाइडेड में वन प्लस, और ए की जगह फिर हम लिख देंगे डेल्टा अपॉन बीटा। तो इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए माइनस डेल्टा अपॉन बीटा टी प्लस एल्फा प्लस गैमा अपॉन बी, और इसको लिख लेते हैं, इसको हम सिंपल लिख लेते हैं बीटा प्लस डेल्टा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी। तो कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास सिचुएशन क्या रहेगी, इसको इस इक्वेशन को मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, पी टी टाइम पीरियड ए माइनस गामा डेल्टा अपॉन बीटा इंटू टी प्लस एल्फा प्लस गैमा अपॉन बीटा प्लस डेल्टा, तो ये मेरे पास सिचुएशन आ गई। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं और से देखूँ तो ये तो मुझे नज़र आ रहा है इंटरटेम्पलर इक्विलिब्रियम, कि ये सिंपल इंटरटेम्पलर इक्विलिब्रियम, और ये जो ए है इस ए को मैं कंसीडर कर सकता हूँ पी नॉट ए माइनस सी अपॉन वन प्लस ए। ठीक है जी, पी नॉट माइनस सी अपॉन वन प्लस ए, ये वाली वैल्यू ए के अंदर हम पुट कर देंगे। तो अगर देखें सी अपॉन वन प्लस ए, तो ये वाली वैल्यू यहाँ से मैंने फाइंड आउट की तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब इस ए की जगह तो मेरे पास टाइम पास क्या आ जाएगा, ए की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँ पी नॉट माइनस सी प्लस वन प्लस ए माइनस डेल्टा अपॉन बीटा इंटू टी प्लस एल्फा प्लस गैमा अपॉन बीटा प्लस डेल्टा। अच्छा जी, अब यहाँ पे पी नॉट, अब इस सारे की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ से हमने फाइंड की, ये देखिए यहाँ से हमने फाइंड की, ये हमने सॉल्व किया, तो ये आंसर मेरे पास आया। तो इसकी जगह हम एल्फा प्लस गैमा अपॉन बीटा प्लस डेल्टा, और ये माइनस गैमा अपॉन बीटा डेल्टा अपॉन बीटा इंटू टी एल्फा प्लस गैमा बीटा प्लस डेल्टा, ये मेरे पास आ गया। ठीक है जी। अब ये चीज़ क्या है, इंटरटेम्पलर इक्विलिब्रियम पी प्राइम, हम इसको इंटरटेम्पलर इक्विलिब्रियम को हम पी प्राइम से जाहिर कर लेते हैं। मेरे पास टाइम पाथ फिर क्या आ गया, पी टी इक्वल टू ये पी नॉट वैसे ही आ गया, ये देखें ये पी नॉट वैसे ही आ गया माइनस, इसको मैंने क्या कहा है इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी बार माइनस गैमा डेल्टा अपॉन बीटा टी प्लस पी बार। तो ये तो थी मेरे पास इक्वेशन, ये तो था कॉबवेब मॉडल जो कि उसने एक्सरसाइज के अंदर, ये कॉबवेब मॉडल भी है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये पूछा था कि ये दो इक्वेशनें दी हुई हैं, फाइंड द पाथ ऑफ क्यू एंड एनालाइज द कंडीशन फॉर इट्स कन्वर्जेंस। अच्छा, अभी तो सिर्फ हमने ये मॉडल निकाला है कि ये कॉबवेब मॉडल टाइम पाथ का हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ से सिंपल यहाँ से मैं मेरे पास देखें जो जनरल इक्वेशन थी वो ये इक्वेशन थी, ये देखें ये क्यू डी टी यानी क्यू की इक्वेशन ये थी, और हमने क्यू डी टी को हमने क्या कहा था दैट इज इक्वल टू अ क्यू एस टी, और इसको हमने कह दिया क्यू टी। ठीक है, इसको हमने क्यू टी कह दिया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मेरे पास क्यू टी क्या आ गया यानी क्यू डी टी क्या आ गया जिसको हमने क्यू टी कहा है, वो तो था मेरे पास एल्फा माइनस बीटा, ये देखें ये लिखी मैंने इक्वेशन एल्फा माइनस बीटा और पी टी, ये पी टी ये वाली वैल्यू जो है वो अब हम इसमें पुट करने जा रहे हैं, तो मेरे पास आ गया
पी नॉट माइनस पी बाहर इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम माइनस डेल्टा अपॉन बीटा टी प्लस पी बाहर। तो ये मेरे पास आ गया जी, क्यू टी आ गया जी, ठीक है जी। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा माइनस बीटा एज इट इज लिखा गया, और ये भी ऐसे लिख देते हैं बीटा माइनस गामा अपॉन डेल्टा अपॉन बीटा इंटू टी प्लस बीटा पी, ठीक है जी। अच्छा अब ये मेरे पास एक है ना, सॉरी ये दरमियान में माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये चूँकि सारी ये सारी एक ही वैल्यू है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये सारी एक ही वैल्यू आएगी। तो ये मेरे पास आ गया जी, जो कि क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा था कि आप बताएं कि फाइंड द पाथ ऑफ क्यू, तो ये मेरे पास क्यू टी की वैल्यू आ गई जो कि हमने फाइंड करना था, ये थी मेरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ तक था मेरा मॉडल कॉवे मॉडल, और यहाँ पे ये जो उसने क्वेश्चन नंबर वन के अंदर यहाँ से उसने क्वेश्चन नंबर वन पूछा है तो वो मैंने फाइंड कर दिया। दो इक्वेशंस को अगर गौर से देखें तो यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों जो हैं ये ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और यहाँ पे अगर चेक करें तो गैमा और जो डेल्टा है वो भी ग्रेटर देन जीरो है। अच्छा अब हम मैं ज़रा इसकी एक डायग्राम बनाता हूँ, बल्कि डायग्राम से पहले मैं ये आपको बता दूँ इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस कर लें, एक गैमा और एक बीटा, ये है डेल्टा और बीटा, हम इसको डिस्कस कर लें। इसमें तीन कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे, थ्री पॉसिबिलिटीज, थ्री डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। नंबर वन, ये डेल्टा इज लेस देन दैट ऑफ बीटा, अगर तो डेल्टा लेस देन आ जाए, ठीक है, अगर डेल्टा लेस देन आएगा इसका मतलब ये क्या होगा कि जो सप्लाई होगी, सप्लाई इज फ्लैटर, सप्लाई क्या होगी इज फ्लैटर देन डिमांड, यानी सप्लाई इक्वेशन, सप्लाई कर्व जो है वो डिमांड कर्व से फ्लैटर होगा, डिमांड स्टीपर होगा, डिमांड स्टीपर होगा सप्लाई फ्लैटर होगी। अच्छा जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि जिसमें गैमा जो है वो लेस देन होता है, तो ये इसकी ऑस्किलेशन जो होती है वो डैम्प्ड होती है, डैम्प्ड ऑस्किलेशन, ठीक है जी। अच्छा सेकंड कंडीशन की तरफ चलें, अगर ये ग्रेटर देन हो जाए, डेल्टा जो है वो बीटा से ग्रेटर हो जाए, तो इसकी रिवर्स कंडीशन कर लें, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, ये सेकंड कंडीशन, अब क्या होगा, सप्लाई जो है इज अब स्टीपर होगी, ठीक होगी, देन डिमांड, यहाँ पे डिमांड स्टीपर थी, यहाँ पे सप्लाई स्टीपर होगी और डिमांड फ्लैटर होगा, ठीक है, और इसकी जो ऑस्किलेशन होगी वो एक्सप्लोसिव हो गई, एक्सप्लोसिव, ठीक है, दो कंडीशन आ गई। थर्ड कंडीशन के अंदर अगर हम देखें कि अगर वो इक्वल टू आ जाए दरमियान में, तो इक्वल टू का मतलब ये होगा ना फ्लैटर ना स्टीपर, दोनों सप्लाई और डिमांड, ना फ्लैटर ना स्टीपर, तो थर्ड कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा, वो फिर यूनिफॉर्म आ जाएगा, यूनिफॉर्म, ठीक है, नाइदर स्टीपर नॉर फ्लैटर। तो ये मेरे पास थी जी कंडीशंस के, जिससे हम इसकी सिग्निफिकेंस को चेक कर सकते हैं, मॉडल की सिग्निफिकेंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम इसकी ज़रा एक आध डायग्राम्स को मैं आपको डिस्कस कर दूं कि डायग्राम्स कैसे हो।
जिसमें डेल्टा जो है इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हम ज़रा डायग्राम के जरिए हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्राइस आएगी पी, और यहाँ पे क्वांटिटी क्यू आएगी, ठीक है जी। अब आप देखें तो, अगर देखें तो आपको मैंने बताया कि डेल्टा जो जो है वो ग्रेटर देन बीटा है, तो ये सेकंड कंडीशन है ग्रेटर देन, इसका मतलब सप्लाई फ्लैटर स्टीपर है। सप्लाई क्या होगी, वो स्टीपर है, कुछ यूँ स्टीप की कंडीशन कुछ यूँ बनती है, ये स्टीप है। और यहाँ से ये हमारे पास डिमांड आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास सप्लाई फंक्शन आ गया और ये मेरे पास डिमांड फंक्शन। अच्छा जी, अगर यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ये मेरे पास क्या है, इंटर टेम्पलर इक्विलिब्रियम, ये दैट इज़ अ पी बार, ये है, ठीक है जी, ये इक्विलिब्रियम पोजिशन आती है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें इस इक्विलिब्रियम से प्राइस जब बढ़ती है तो क्या होगी, हम इसको बढ़ा देते हैं, प्राइस को अगर बढ़ाएं कुछ यहाँ पे, ये लेट्स से कि पी वन हो गया, ठीक है। पी वन से यहाँ से इस तरफ को मूव करेगा, ठीक है, ये डायरेक्शन देख ले, और फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, ये लाइक दैट, ये कोवे मॉडल। और फिर इसने यहाँ पे देखें तो यहाँ से ये प्राइस ये आ गई, ये पी टू हो गई, ठीक हो गया। और यहाँ से इस प्राइस पी वन से ये क्वांटिटी आपकी आ गई, ये क्यू वन आ गई, ठीक है जी। सेम इसी तरह से इसको आगे हम आगे एक्सटेंड मज़ीद करें तो यहाँ से देखें आपको क्लियरली ये आपको प्राइस नज़र आ रही है, ये प्राइस की सिचुएशन आ जाएगी। ये यहाँ से देख लें, इसको पी थ्री कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको मज़ीद आगे बढ़ा एक्सटेंड कर देते हैं और क्यू टू कह देते हैं, ठीक है। ये पी टू है और इस पे ये क्यू टू आ गया। और सेम इसी तरह से ये देखें, यहाँ से आगे फिर प्राइस आ गया, और यहाँ से अगर मूव करवाएं तो ये आ गया जी यहाँ से, और इसको आगे बढ़ा दें तो ये क्या है पी थ्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्यू थ्री आ जाएगा। और फिर यहाँ से ऐसे ये मूव करता चला जाएगा, और ऐसे ये कॉबवेब ये फिर आगे एक्सटेंड होती चली जाएगी, ये लें जी, ये ऐसे ये मूव होती चलेंगे। ये है कि जब क्या था, सप्लाई क्या थी, ये सप्लाई जो थी वो इज स्टीपर, ठीक है, और डिमांड जो था वो क्या था, फिर डिमांड इज फ्लैटर, ये तो था जी। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी क्वेश्चन दूसरी कंडीशन की भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। और ये तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन था, वो टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ चला जाएगा, तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू उसने पूछा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर टू के अंदर उसने पूछा है कि आप यूनिफॉर्म जो ऑस्किलेशन है जिसमें नाइदर फ्लैटर नॉर स्टीपर है, उसकी आप डायग्राम ड्रा करके दें, तो हम उसकी एक डायग्राम जो है वो ड्रा करते हैं। यूनिफॉर्म ऑस्किलेशन की, यूनिफॉर्म ऑस्किलेशन, ठीक है जी। और अगर हम देखें, चलो इसको पूरा ही लिख लेते हैं यार, ऑस्किलेशन, ठीक है जी, यूनिफॉर्म ऑस्किलेशन आ गया, नाइदर स्टीपर नॉट फ्लैटर, तो ये मेरे पास आ गया, एक ये कंडीशन आ गई, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास प्राइस है, यहाँ पे मेरे पास क्यू है। अब दोनों जो हैं ये देखें, यहाँ से मैं ये बिल्कुल सेम सेम, ये देखें, यानी 45 का एंगल बन रहा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है जी, इंटर टेम्पलर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से ये प्राइस होगी, दैट इज़ पी वन, यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये क्वांटिटी आ जाएगी, देखिए ज़रा सेम ही बनेगी, आपको आपको नज़र आएगी ना, तो ये देखें वो बिल्कुल ऊपर आ गई,
तो ऐसे ये पूरा ऐसे सर्कल रोटेट होता जाएगा, यानी यूनिफॉर्मली मूव करती जाएगी। और यहाँ से ये क्वांटिटी आ गया, क्यू वन आ गया, और यहाँ से ये सप्लाई, ये क्यू टू आ गया, जब यहाँ प्राइस जो है वो पी टू है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है जी, ये सप्लाई था, ये डिमांड था। तो ये तो था, ये क्वेश्चन नंबर टू था जी आपकी एक्सरसाइज का। और एक्सरसाइज जो थी वो हमारे पास थी 17.4, 17.4 का क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू हमने। क्वेश्चन नंबर थ्री पे चल हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? क्वेश्चन नंबर थ्री में उसने कहा है कि डिमांड और सप्लाई कॉबवेब मॉडल है, फाइंड द इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, ये मेरे पास क्यू डी टी दिया हुआ है जी, 18 - 3 PT, और क्यू एस टी दिया हुआ है, -3 + 4 PT - 1। ठीक है जी, इसके अंदर उसने कहा है कि आप हमें बताएं कि इसका इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम बताएं, और फिर बताएं इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या हैं, यानी इसकी आपने सिग्निफिकेंस भी बतानी है, क्लासिफिकेशन भी बतानी है इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को, यानी डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन को, डिमांड ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम अगर कवर करें इससे, तो इसका मतलब अल्फा मेरे पास क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, और मेरे पास बीटा क्या आ गया, बीटा आ गया 3 आ गया, बीटा 3 आ गया। सेम इसी तरह से मैं इस इक्वेशन को, इसको यानी सप्लाई की इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करें, तो गैमा मेरे पास क्या आ गया, वो भी 3 आ गया, और डेल्टा मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा तो देखे तो 4 आ गया, तो डेल्टा मेरे पास 4 आ गया। और अभी हमने इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, अल्फा प्लस गैमा अपॉन बीटा प्लस डेल्टा, ये पढ़ा था। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मेरे पास 18, गैमा की वैल्यू मेरे पास 3, बीटा की वैल्यू 3 और डेल्टा की वैल्यू 4, तो ये मेरे पास आ गया 21/7, दैट इज इक्वल टू 3, तो मेरे पास 3 आ गया। अच्छा जी, अब हमने इसकी सिग्निफिकेंस चेक करनी है। सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए हमने ये चेक करना है कि इन दो इक्वेशनों को दोबारा चेक कर लें, और इन दोनों इक्वेशनों की मदद से फिर आप चेक करें कि डेल्टा की वैल्यू क्या है। डेल्टा की वैल्यू ये देखें 4 है, बीटा की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये ग्रेटर है, डेल्टा इज ग्रेटर देन बीटा। अभी 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 डिस्कस किया था, अभी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि अगर ये ग्रेटर आ जाए तो फिर क्या आएगा, डेल्टा जो है वो ग्रेटर है बीटा से, इसका मतलब क्या होगा कि सप्लाई जो है, हम एस लिख लेते हैं, एस जो है वो स्टीपर है। ठीक है, एस जो है वो स्टीपर है देन डिमांड से, हम यूं इस तरह एक सिंपल सी इक्वेशन लिख लेते हैं इस कंडीशन से, क्योंकि डेल्टा बड़ा है, डेल्टा 4 है, बीटा 3 है, सो ये 4 इज ग्रेटर देन 3, और अगर ग्रेटर की कंडीशन देखें तो ये फिर क्या हो गया, ये एक्सप्लोसिव ऑस्किलेशन, एक्सप्लोसिव ऑस्किलेशन। ठीक है जी, ऑस्किलेशन। और अगर ग्रेटर की कंडीशन आ जाए, ग्रेटर में हमारे पास जो टाइम पाथ आएगा, यानी पी टी जो होगा वो डाइवर्जेंट कहलाएगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, टूवर्ड्स नहीं आएगा, टूवर्ड्स नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, वो आउटसाइड द रीजन जाएगा। अभी डायग्राम के अंदर देखा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन था, अभी जो हमने डायग्राम बनाई थी ये सप्लाई वाली, के स्टीपर रखा था और फ्लैटर किया था, तो आपने देखा था कि यहाँ से हम जब बना रहे थे तो ये यहाँ से यूं बाहर चला गया था। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम से, यानी इस इक्विलिब्रियम से अवे चला गया, तो अवे जाने का मतलब क्या होगा, डाइवर्जेंट आ गया, और अगर ये टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाए तो वो कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, और वो दूसरी कंडीशन आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर इस डायग्राम को देखें तो ये 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये इस तरह की फॉर्म बनेगी। ठीक है, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से अवे जा रहा है,
तो ये डाइवर्ज कहलाएगा। ठीक है जी, इसका एक और पार्ट हम कर लेते हैं जी। जी अब क्वेश्चन नंबर थ्री का एक और हम पार्ट बी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है और इसका बी पार्ट है। उसने क्यू डी टी दिया हुआ है, ये गालबन 22 -3 PT, और सप्लाई दी हुई है ये गालबन -2 +PT -1। अगेन अब कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास 22 आ गई, ठीक है जी, और बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, और गैमा की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, और डेल्टा की वैल्यू मेरे पास आ गई जी यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू मेरे पास 1। तो इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम देखें, अल्फा प्लस गैमा, बीटा प्लस डेल्टा। अल्फा की वैल्यू 22, गैमा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, अल्फा प्लस अल्फा की वैल्यू 22 है जी, गैमा की वैल्यू मेरे पास देखें जरा 2 आ गए, बीटा की वैल्यू 3 आई, और डेल्टा की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, तो 24/4 तो 6 आ गए, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस चेक करें, तो चेक करें जरा डेल्टा और बीटा दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। डेल्टा की वैल्यू देखें जरा कितनी है, ये 1 है 1, बीटा की वैल्यू क्या है 3, ये 3 आ गई, इसका मतलब ये कंडीशन आ गई, सेकंड कंडीशन आ गई, ठीक है, क्या हो गया, डेल्टा इज लेस देन, डेल्टा जो है वो लेस देन है, इसका मतलब क्या आ गया, डेल्टा का लेस का मतलब है एस जो है इज फ्लैटर, यानी सप्लाई फ्लैटर, ठीक है, देन डिमांड, तो ये तो इसकी सिग्निफिकेंस आ गई, यानी फ्लैटर से मुराद क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ आएगा इसकी जो कंडीशन, इसकी जो डायग्राम बनेगी कॉबवेब की, अगर मैं डायग्राम दोबारा बनाने की कोशिश करूं तो कॉबवेब मॉडल की ये सप्लाई जो है वो स्टीपर है, यूं आएगी, ठीक है जी, और ये स्टीपर होगी, डिमांड जो है वो स्टीपर होगी, तो वो कुछ यूं आएगी ऐसे, ठीक है जी, यहाँ पे एक ये आ जाएगा, और यहाँ से सप्लाई शुरू करके यहाँ से देखे यहाँ पे इस तरह से ये मूव करके टूवर्ड्स ऐसे इस तरह ये टूवर्ड्स यहाँ से अगर देखें तो कंडीशन आप चेक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये कहाँ पे जा रहा है, टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, ठीक है, आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, कन्वर्ज होगा, और क्या होगा, चूंकि डेल्टा लेस है, डेल्टा लेस हो तो डैम्प्ड ऑस्किलेशन होती है, डैम्प्ड ऑस्किलेशन, ठीक है जी, ये इसकी सिग्निफिकेंस थी।